शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने बाबा बड़भाग सिंह मैडी मेले में पहुंचकर शीश नवाया और सरबत के भले की अरदास करवाई। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक ने संजय कुंडू को सिरोपा व तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया। संजय कुंडू ने कहा कि बाबा बड़भाग सिंह मैडी मेला लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां आकर एक अजीब सी शांति व सुकून महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बैठक कर मेले में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्रीकाल जी, असी आज बाबा बड़भाग सिंह आए हैं। मेरे साथ जिले के एसपी साहब हैं श्री अरजीत सिंह ठाकुर जी, मेरे बाएं में अमरिंदर सिंह सोढ़ी जी हैं जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं और डायरेक्ट लीनिएज है इनका गुरु साहब से। उनके बाएं में एसडीएम साहब खड़े हैं, उनके बाएं में इनके मैनेजर हैं। तो आज हम बाबा बड़भाग सिंह दौरा करने आए हैं। सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक सबका जायजा लिया और हमें बड़ी खुशी है कि पूर्व के भांति भी इस साल करीब 1200 से अधिक सुरक्षा कर्मचारी यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए कायम है और साथ ही साथ जो बाबा बड़भाग सिंह की मैनेजमेंट है इनके भी कई ऑफिशल्स इसमें लगे हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेला बड़े अच्छी तरह चल रहा है। पिछले साल जब हम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो उसका एक कारण भी था कि 2 साल कोविड के कारण सारे मंदिर, गुरुद्वारे, सारे रिलीजियस प्लेस बंद रहे और हमने देखा कि इस बार कंजेशन भी काफ़ी कम है। तो 2-3 कदम सरकार ने उठाए, पुलिस ने उठाए। एक तो जो ओपन ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में पहले लोग आते थे पंजाब से, हरियाणा से, उससे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा था और कोई अगर गाड़ी ओवरटर्न कर जाती तो मास कैजुअलिटीज़ होती थी। अब हमने उसको रोक लिया है और जैसा कि बाबा जी ने हमको बताया, अब लोग बड़े कन्वीनियंटली अपनी गाड़ियों में आते हैं और आराम से दर्शन करते और जाते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन शनिवार इतवार को ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रश काफ़ी ज़्यादा होगा। और हमारी तरफ से जितना भी इस ट्रस्ट को, बाबा बड़भाग सिंह जी हैं, इस मेले को अच्छी तरह सम्पन्न करने के लिए जितनी हमसे बनेगा हम करेंगे। और पूर्व की तरह मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार भी ये जो मेला है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सर, इसके अलावा कोई एडिशनल निर्देश दिए गए हैं पुलिस को या पहली प्रक्रिया जो चल रही है वो ठीक है? देखिए, ऐसा है कि ये हम तो इसको थोड़ा सा हर साल इंक्रीमेंटल जो है इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। आज आपने देखा है कि पुलिस ऑफिशल्स, क्योंकि कई सालों से लगे हुए हैं, उनको काफ़ी ब्रीफिंग करते हैं, डीब्रीफिंग करते हैं, बड़ा प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं। और आप देखोगे सारे स्लिम ट्रिम फिट हैं और जो बड़ी जो ये चैलेंजिंग जो और बड़ी लंबी टायरलेस और चैलेंजिंग काइंड ऑफ ड्यूटी है इसको बखूबी निभा रहे हैं। और मुझे अपनी पुलिस फोर्स पे बहुत गर्व है और कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हमको मैनेजमेंट की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरी कोऑपरेशन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बॉटलनेक्स थे जैसे पार्किंग है, अकोमोडेशन है, टॉयलेट्स है, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है जिसके कारण आपको बड़े सुचारू रूप से ये मेला होते हुए दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए अंबर से अविनाश चौहान की रिपोर्ट। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा, बंगवा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775, 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।